दिन भर दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन भर दिल्ली। 26 जनवरी पर दिल्ली में कैसे किसान आंदोलन में हिंसा हुई और कैसे भारत ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, आज आपको बताएंगे। हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं, जो गणतंत्र की हम लोग दुहाई दे रहे हैं वो कहीं से भी ये उसमें सही नहीं है, ये खरा नहीं उतरता है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड उग्र हो गई। आईटीओ पर बवाल के बीच कई किसान लाल किले पर पहुंच गए थे और वहां झंडा फहरा दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। देखिए क्या क्या बवाल हुआ इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें लाल किला की हैं, जहां पर ट्रैक्टर रैली में शामिल होने आए किसानों ने लाल किले पर चढ़कर झंडा फहराया है। किसानों ने ये झंडा उस जगह पर फहराया जहां पर खुद प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। देखिए क्या कुछ हुआ लाल किले पर। किसानों की ट्रैक्टर रैली लाल किले के पहुंचने के बाद अब इनका साफ मकसद था लाल किले पर कब्जा करना। लाल किले के मैदान को उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद जहां से प्रधानमंत्री झंडा तोलन करते हैं वहां पर उन्होंने किसानों का झंडा लहराया है। लेकिन अब उन्होंने साफ मैसेज दे दिया है कि सरकार झुकनी चाहिए, सरकार को झुकना चाहिए। और वो मैसेज देने के बाद किसानों की ट्रैक्टर रैली सिंधु बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दिल्ली में किसानों को 26 जनवरी के दिन 12 बजे से ट्रैक्टर रैली करने की इजाजत खुद दिल्ली पुलिस ने दी थी, लेकिन किसानों के आंदोलन के बीच हो रही इस ट्रैक्टर रैली में विवाद होना शुरू हो गया। जो सिंघू बॉर्डर हो या फिर आईटीओ, किसानों का प्रदर्शन उग्र होता चला गया। बीते 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे किसानों के आंदोलन में बस हिंसा ही हिंसा नजर आई। आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं किसान नेताओं को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं उसे भी जो एक युवा किसान है सैकड़ों की तादाद में, यहाँ पर हजारों की तादाद में कहना ठीक होगा, ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर किसान पहुँचे हैं। दिल्ली के आईटीओ पर हम मौजूद हैं और एक बार फिर से जो है माहौल थोड़ा सा गर्म हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किसान जो है वो थोड़ा सा उग्र हैं और पत्थर जो है वो फेंकना शुरू किया था, हालांकि अब जो है वो उनको समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही। लगातार पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और उनसे समझा भी रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले जो है वो किसी मीडिया पर्सन से कुछ बहस हुई, उसके बाद फिर किसान जो है वो आगे बढ़े और देख सकते हैं कि अभी भी वहाँ से लगातार जो है वो कुछ किसान नेता मौजूद हैं और समझाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हाथ जोड़ के कुछ किसान नेता वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है।
कहीं किसानों की नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो पुलिस वालों के पीछे तलवार लेकर पीछा करते नजर आए, तो कहीं पर किसान ट्रैक्टर लेकर पुलिस वालों की तरफ दौड़ते नजर आए। किसानों का प्रदर्शन कैसे इतना उग्र हो गया और क्यों किसानों ने ये सब हरकतें की, इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में हुआ ये बवाल दिल्ली पुलिस की ही देन है। उन्होंने ट्रैक्टर रैली के लिए जिन रूटों को मंजूरी दी थी वहीं पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। ट्रैक्टर से धक्का मार के तोड़ डाला है, एक सिंगल बैरिकेड लगाया था पुलिस ने और उसको ताश के पत्तों की तरह ट्रैक्टर से धक्का मार के तोड़ डाला है। उसी पे गए, पुलिस ने रोका उस रूट पे जाते हुए, पूरा बैरिकेडिंग जो रूट पुलिस ने दिया उस रूट पे पूरा बैरिकेडिंग पुलिस फोर्स ने करा। पुलिस के लोग ट्रैक्टर के आगे आते रहे, ट्रैक्टर को जाने नहीं दिया गया, डेढ़ घंटा उन्होंने पूरा डिस्टर्ब रखा। जब उसके बाद में पूरा प्रेशर हुआ, जब लोग ऊपर हुए, ये पूरा पुलिस प्रशासन की साजिश थी कि वहां को ना लोग जाकर दिल्ली में जाएं, इनकी जांच होनी चाहिए। गाजियाबाद की गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर नोएडा का चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली के बाहर भी किसानों का प्रदर्शन वैसे ही उग्र हुआ और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर में स्टंट करते एक किसान की मौत हो गई। बॉर्डर पर दिल्ली से जो नोएडा आने वाला रूट था वो खोल दिया गया था तकरीबन एक महीने पहले, लेकिन आज फिर किसानों ने उस रूट को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं ये दिल्ली से नोएडा आने वाला रूट है, जब परेड ट्रैक्टर परेड वापस आई है तो उसके बाद से ये रूट बंद किया गया। पुलिस से खासा नाराजगी है क्योंकि जो किसानों के यहाँ ट्रैक्टर आ रहे थे उनको रोका गया और उसी के बाद से ये कार्यवाही करी गई। फिलहाल दिल्ली में हुए किसान के उग्र प्रदर्शन के बाद लाल किले के एरिया को सील कर दिया गया और इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन एक आंदोलन का इस तरह से हिंसक हो जाना अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। छब्बीस जनवरी के दिन समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। सपा की ट्रैक्टर रैली के चलते पुलिस और सपाइयों में तीखी नोकझोंक भी हुई। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में ध्वजारोहण करके 26 जनवरी की शुरुआत की और इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में सैफई से ट्रैक्टर रैली निकालकर समर्थन की शुरुआत की थी। बहुत बड़ी लड़ाई है जो हमारे देश की पहचान है उसको खत्म करना चाहती बीजेपी। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान गंगा जमुनी संस्कृति है, हमारी मिली जुली संस्कृति है। हम एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए आए, एक दूसरे का त्याग कर करके हम एक साथ जुड़े रहे। उस संस्कृति को आने वाले को उस गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक बार उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी है, ये किसान खालिस्तानी है। उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके पैदा किए हुए अनाज को क्यों खा रहे हैं, इनको खाना छोड़ देना चाहिए। प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया जिसके चलते पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। तमाम जो तहसील मुख्यालयों पर सपा का प्रदर्शन होना था उसी की कड़ी में आज राजधानी लखनऊ के सदर तहसील में आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस ने कहीं गिरफ्तार करके उन्हें लेके जा रही है, क्योंकि आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन
पूरे प्रदेश के मुख्यालयों में किया गया, हल्की धक्का मुक्की भी कार्यकर्ताओं के साथ देखने को मिली। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था, लेकिन पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को रोक दिया और सिपाहियों को पकड़कर पुलिस लाइन ले गई। गोंडा में सिपाहियों ने निकाली ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में और गन्ना के बकाया भुगतान को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। आगरा में जगह जगह ट्रैक्टर परेड निकाल रहे सिपाहियों को पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद सिपाहियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई। बुलंदशहर में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिजनौर में सपा कार्यकर्ताओं के ट्रैक्टर रैली निकालने से रोकने पर बैरिकेडिंग तोड़ दी। सिपाहियों और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। शाहजहांपुर में सिपाहियों ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालकर किसान बिल पर अपना विरोध दर्ज कराया। चित्रकूट में पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च निकालकर सिपाहियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान ट्रैक्टर रैली निकाली। प्रदर्शन कर रहे सिपाहियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस से सिपाहियों की तीखी नोकझोंक भी हुई और कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। देश भर में 72वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। इस मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत और संस्कृति की अनोखी झलक को पूरी दुनिया ने देखा। राष्ट्रपति अध्यक्ष सलामी देगा, राष्ट्रीय सलूट, मध्यम देख। राष्ट्रपति अध्यक्ष सेक्शन बाइगोन कदम कदम। पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत और संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली। रिपब्लिक डे परेड में तीनों सेनाओं की ताकत के साथ अलग अलग राज्यों, मंत्रालयों, सुरक्षा बलों की झांकियां भी देखने को मिली। विमान राफेल ने परेड में हिस्सा लिया और पूरी दुनिया को अपना दम दिखाया। दिल्ली में राफेल की गरज से पूरा आसमान गूंज गया। राजपथ पर दिखी भारत की ताकत, सैन्य ताकत से दुश्मन हुआ हैरान। राफेल की गरज से गूंजा आसमान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराकर रिपब्लिक डे परेड कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद परेड का मुख्य आकर्षण सैन्य ताकत, राज्यों की अलग अलग संस्कृति, बांग्लादेश का 122 सदस्यों का कंटिंजेंट, स्कूलों के बच्चों की ओर से पेश कार्यक्रम रहा। उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की झलक दिखाई दी। पागल दास मृदंग बजाते
जबकि पंजाब की झांकी गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित रही। पंजाब की झांकी में 400वें प्रकाश पर्व को चिन्हित। कोरोना काल के बावजूद राजपथ पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शानदार तरीके से मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने विधान भवन के सामने हुई परेड भी देखी। सीएम ने अपने भाषण में विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने यूपी के युवा छात्रों के लिए फ्री कोचिंग का ऐलान भी किया, जो वसंत पंचमी से यूपी में शुरू होने जा रही है। वहीं यूपी के प्रमुख विपक्षी दल सपा और कांग्रेस ने भी अपने अपने कार्यालय पर झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया और अखिलेश यादव ने इटावा के सैफई में झंडारोहण किया। वैसे पूरे देश में 72वें गणतंत्र दिवस को बहुत ही शानदार ढंग से मनाया गया और दुनिया को भारत की ताकत और अनेकता में एकता दिखाई गई। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। राफेल के जिस दमखम का इंतजार देश कर रहा था, राजपथ पर राफेल ने वैसे ही करतब दिखा कि सबका मन मोह लिया। रिपोर्ट देखिए। As a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical charlie. जिस दिन का भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आ गया था और आ गया था राजपथ वायुसेना की शान राफेल, जिसके दमखम से दुनिया वाले वाकिफ हैं। उस राफेल ने राजपथ पर अपना जलवा दिखाया। राफेल ने दिखाया दम, राजपथ में दिखाए करतब, आसमान में करतब से जीता मन। भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ मिलकर हवा में वो करतब दिखाए कि जिसने भी आसमान की तरफ देखा वो बस राफेल को निहारता रहा। राफेल की ताकत और क्षमता की क्या बात की जाए, उससे पहले उसके करतब देखिए और उसकी वो आवाज जिससे पूरा का पूरा राजपथ अब कभी नहीं भूल पाएगा। राफेल अपने आप में वो पूरी ताकत नजर आता है जिसने न केवल वायुसेना बल्कि पूरे भारत देश का मान बढ़ाया है। और जब उसने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के आसमान पर उड़ान भरी तो उसने बाकी सारी शंकाओं को भी खारिज कर दिया और पूरा देश इसकी ताकत का गवाह बन गया। राफेल के साथ आसमान में वैसे तो कई विमानों ने करतब और जाबाजी दिखाई, लेकिन सबसे खास कोई रहा तो वो राफेल ही था। एक नजर डालते हैं राफेल की क्या खासियत है। विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर, दो इंजन वाला विमान है राफेल, तीन तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है।
हवा से हवा में मार कर सकता है। एक मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है राफेल। पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है राफेल। एक बार फ्यूल भरने में 10 घंटे उड़ सकता है राफेल। हवा में ही फ्यूल को भर सकता है राफेल। एक मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है राफेल। एक साथ 40 टारगेट की नजर रखने में सक्षम है राफेल। 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम है राफेल। राफेल की इन्हीं खूबियों की वजह से दुश्मन भी खौफ खाता है। जिस तरह से राफेल ने राजपथ पर उड़ान भरकर करतब दिखाया, उसे देखकर हर भारतीय आश्चर्यचकित रह गया। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो दिन भर दिल्ली के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की देश प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर पीयूष यादव, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।